वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी जो है न्यू ड्राइंग टेबल दिखाने वाली हूँ। तो ये जो है मैंने कहाँ से ऑर्डर की है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जो मैं पहले जो मैं ड्राइंग स्केचेस पेंटिंग्स बनाती थी वो कुछ इस तरह की टेबल होती थी जिसपे मैं बनाती थी, बट उसमें जो है बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा डार्क आता था जो कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। तो इसलिए मैंने लाइट कलर की जो टेबल है वो मंगवाई है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इस तरह की कुछ टेबल है। तो अगर आपको पसंद आती है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो और मैं इस पे पेंटिंग्स करके देखती हूँ कि मुझे ये टेबल पसंद आती है या नहीं, तो इससे बैकग्राउंड कैसा आता है। तो वो तो इस पर पेंट करने के बाद ही पता लगेगा जब मैं पेंटिंग्स बनाऊंगी इस पर रख के शीट अपनी। जब भी आप कोई पेंटिंग्स वगैरह स्टार्ट करें तो उसके लिए हमेशा लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए ताकि आपकी पेंटिंग जो है वो एकदम से उभर के आए, अच्छी लगे पेंटिंग। अगर आपका बैकग्राउंड ही डार्क होगा तो आपकी पेंटिंग जो इतनी अच्छे से बन नहीं पाएगी, अच्छे से दिखेगी नहीं, वो फोटो उसका फोटोशूट वीडियो शूट अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें अपनी पेंटिंग के लिए स्केचेस के लिए ड्राइंग के लिए हमेशा लाइट बैकग्राउंड ही चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने ये टेबल मंगाया। तो चलिए अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। हेलो गाइज, वेलकम।